आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल हेल्दी सूप। ये सूप हमें सर्दी से और बीमारियों से बचाएगा, सर्दी में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करेगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मिक्स वेज सूप को हमने ढेर सारी हेल्दी सब्जियों से बनाया है, इसीलिए इस सूप में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल और फाइबर भरे हुए हैं। ये पीने में बहुत टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। इस मिक्स वेज सूप को बनाने के लिए हमने बहुत सारी हेल्दी सब्जियां ली हैं, जैसे ब्रोकली, हरी पीली और लाल शिमला मिर्च, हरी प्याज, हरी पीली जुकीनी, स्वीट कॉर्न, गाजर, फ्रांस बीन और पत्ता गोभी। आप अपनी मर्जी से और भी सब्जियां डाल सकते हैं। वैसे भी सर्दियों में बहुत सारी हेल्दी सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। सबसे पहले हम ब्रोकली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप इसमें फूल गोभी भी ले सकते हैं। हमने ब्रोकली का एक छोटा टुकड़ा लिया है। ऐसे ही हम पीली और हरी जुकीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके बाद हमने एक छोटा टुकड़ा पत्ता गोभी का लिया है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद हमने लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपके पास लाल, पीली ना हो तो आप हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने एक गाजर ली है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही फ्रांस बीन को भी छोटा छोटा काट लेंगे। इसी तरह हम सारी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। अब हमने 5-6 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 मीडियम साइज की प्याज ली है। हमने लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, साथ में 2 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके लिया है। प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टमाटर को छील कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर की स्किन थोड़ी टाइट होती है, इसलिए हमने उसे चाकू से निकाल दिया है। साथ ही अदरक को भी बारीक चॉप कर लिया है। अब सूप बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें 2-3 तेज पत्ता डालकर फ्राई करेंगे। इसके बाद पैन में कटा गार्लिक डालकर हल्का सा सोटे करेंगे। फिर एक प्याज डालकर आधा मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद पैन में अदरक और हरी मिर्च डालकर फ्राई करेंगे। फिर एक एक करके सारी कटी सब्जियों को पैन में डालकर 1 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें सब्जियों को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस सब्जियों का कच्चापन निकालना है। ये सूप इतना हेल्दी है, इसे पीकर जल्दी से भूख नहीं लगेगी, इसीलिए आप इसे वेट लॉस में भी बनाकर ले सकते हैं। फिर इन सब्जियों में कटा टमाटर डालकर मिलाएंगे। इसके बाद हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच कुटी काली मिर्च डालकर मिलाएंगे। ये मिक्स वेज सूप बहुत सारे हेल्दी विटामिन से भरा हुआ है। अब हम इन सारी सब्जियों में 2 कप पानी ऐड करेंगे।
फिर इसे ढककर पकाएंगे। हम सारे दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं। इस तरह से हम सूप बनाकर कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट ले सकते हैं। हमें इस सूप में पानी डालकर बस 4-5 मिनट तक पकाना है। फिर सूप को थोड़ा थिक करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इस कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर पतला पेस्ट बना लेंगे। फिर सूप में थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे। एक साथ डालने से सूप में लम्स बन जाएंगे, इसीलिए इसे धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे। हम इसे घर पर पीने के लिए बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करेंगे, बस थोड़ा थिक करेंगे। फिर लास्ट में हम सूप में 1 चम्मच नींबू का रस डालकर मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। नींबू के रस की जगह आप सूप में विनेगर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा वेजिटेबल मिक्स वेज सूप कितना अच्छा बना है। लास्ट में हम गार्निश के लिए हरी प्याज और हरा धनिया ऐड करेंगे। विटामिन्स, फाइबर, मिनरल से भरपूर, सर्दी में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, हमें एनर्जी देने वाला टेस्टी हेल्दी सूप। आप भी हमारी तरह ऐसा हेल्दी सूप घर में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ।